सो गाइज, आपने लास्ट वीडियो यहीं से देखा होगा जो हमने यहाँ पे खत्म किया था, और आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक हमने रिव्यू वीडियो शूट किया है जो आपको देखने के लिए मिलेगी या डल गई होगी मैन एंड मोटर्स पर, तो उसका लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग काजा से निकल के आ गए थे, ताबो और फाबो के बीच में ये एक होटल पड़ता है, यहाँ रुके थे, बहुत बढ़िया था, खाना पीना भी अच्छी फैसिलिटी थी। मेन रोड वो रहा, आपको नीचे की तरफ ये दिख जाएगा, और यहीं पे आपका जियो का टावर है, स्पीड अनलिमिटेड, मस्त आ रही है भैया। तो बाकी भी सब रेडी हो गए निकलने के लिए, अपन भी रेडी हो गए निकलने के लिए, निकलते हैं और शुरू करते हैं आज की जर्नी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज की जर्नी, ताबो और फाबो के बीच में, नाम भूल गया मैं यहाँ का। You make me feel so unreal. Na 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 na. We can live the dream. We can be so unreal. बाकी अभी अपनी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, कोई एरर नहीं है, और ऐसा नहीं कि कहीं पे रेस ही है छोड़ रही हो। नो आइडिया क्या हुआ था काजा में उस दिन, जो सडनली इसने दो बार गाड़ी बंद हुई और फिर मेरी चेक लाइट ऑन हो गई और DPF का एरर आ गया, मुझे नहीं समझ रहा कि वो क्यों हुआ। बाकी अभी अपनी गाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये सामने गेट देख रहे हो, वेलकम टू ग्यू विलेज। अगर हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं ना, तो हमें ऊपर जाके देखने के लिए मिलेगी, जो आपने स्पीति में मम्मी वाले वीडियोस देखे होंगे, तो ये वही रास्ता जाता है ग्यू विलेज में। बाकी अगर आप आते हो और आपको याद नहीं रहता है, तो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये देख लो, इस बोर्ड से आपको पता लग जाएगा। जब हम लोग बाइक से आए थे तब हम लोग स्किप कर गए थे, तब ये बोर्ड नहीं लगा हुआ था, और हम लोग पहुंच गए थे काजा। हमें लगा कि काजा की तरफ से इस विलेज के लिए रूट जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम कभी स्पीति आएंगे तो तब हम लोग ये वाला एरिया कवर कर लेंगे, तब ताबो नहीं रुकेंगे, तब ग्यू विलेज में हम लोग स्टे कर लेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, चेकपोस्ट पड़ेगी, चेकपोस्ट के बाद नाको के लिए चढ़ाई शुरू। बाकी यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, ऐसा लगता है कि बाहर कहीं हम लोग घूम रहे हैं। और इस टाइम रिवर का जो वाटर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन यहाँ पे रोड इतने छोटे हैं ना कि आपको बहुत संभल के चलाना पड़ेगा, और आगे से जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको देखते हुए चलाना, क्योंकि पास देने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको स्पेस बनाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बस आ गई थी तो फिर दिक्कत हो गई थी अपने को पास देने की। ऐसे खूबसूरत नजारे देख के तो सुकून मिलता ही है, लेकिन अपनी इसुजु में ये जब लिखा हुआ आता ना रीजनरेशन, तब बहुत ज्यादा सुकून मिलता है भाई, बहुत ज्यादा सुकून। तो फाइनली रीजनरेशन मोड पे अपनी गाड़ी आ चुकी है, अभी थोड़े से किलोमीटर में अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करी अपन ने, तो ये रीजनरेशन मोड इसने ले लिया है। तो अब हम लोग क्लाइम करेंगे, अच्छा है क्लाइम करते टाइम ये रीजनरेशन मोड ऑन हो गया, ताकि ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई चढ़ रहे हैं नाको के लिए, और ये है आपका नीचे का रास्ता। जब आप नाको से आएंगे ना नीचे की तरफ, ये वाला एरिया बहुत सुंदर लगता है देखने में। चलो अब बाकी गाड़ियां भी मुड़ रही है, शार्प टर्न है, फटाफट टेम्पल हम लोग पहुंचते हैं नाको। तो जब से हम लोग ताबो से निकले ना, तब से मेरे को करंट नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या सीन हो गया है। बाकी अभी क्या हुआ सर, कुछ लीकेज जा रहा है? नहीं ओके, पेट्रोल डालना उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, बंदा ले गया। जिमनी में पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल पंप आगे पड़ेगा तो रिफिल हो जाएगा। हाँ जी, यस लो जी, स्नो कैंपिंग तो कर नहीं पाए, लेकिन आइस कैंपिंग हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये रहा जी मलिंग नाला, और पूरे रोड पे देख लो कैसे जमा पड़ा है। रात के टाइम ना यहाँ पे पूरी ब्लैक आइस जम जाती है, और जैसे ये जमा हुआ दिख रहा ना, ऐसा रोड पे जम जाता है बहुत तगड़ा वाला। तो सोचो गाड़ी कैसे निकलेगी। और यहाँ देखो ये रहा पूरा आइस ही आइस, जमा पड़ा है भैया, जमा पड़ा है। ये पूरा नाला आता है ऊपर से, फुल जमा हुआ है, और मैं क्रॉस तो कर नहीं सकता, अभी मैं फिसल जाता यहाँ से पूरा। ये देखो ये पूरा चिकना हो रखा है, और अभी क्रॉस कर नहीं सकता क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। और ये देखो क्या जमा पड़ा है भाई, फुल टूस आइस ही आइस। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी चढ़ेगी कैसे, क्योंकि ब्लैक आइस जमी हुई है। चलो जी निकालते हैं गाड़ी आगे धीरे धीरे करके, बस आगे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मुझको, क्योंकि लोहे का तार निकला पड़ा है जमीन में से, अगर टायर में घुस गया तो लेने के लेने हो जाएंगे। चलो जी हाइलेक्स तो निकल गई, अब अपनी बारी है।
निकल गई जी। तो रात के टाइम यहाँ रहता है माइनस टेम्परेचर, तो ये जितना भी आपको पानी दिख रहा है ना, ये सारा आपका ब्लैक आइस बन जाता है। तो रात में इस वजह से स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। और ये देखो, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो किस तरीके से ये यहाँ पे बर्फ जमी पड़ी है। ये पहाड़ में से पानी आ रहा होगा तो ये जम गया है। फाइनली हम लोग पहुंच गए पू, और इसका हाफ टैंक से नीचे हो गया था, तो सभी ने रिफिल करा लिया है। और हमारे उसमें जो अभी डीजल आया है 27.99, मतलब जाते टाइम जितना डाला था आते टाइम भी उतना ही डाला है। तो देख लो पू से आने जाने में डीजल हमारा इतना लगा है। बाकी अभी बाकी लोग निकल गए, मैं भी फटाफट निकलता हूँ। प्लान तो था यहाँ से 500 मीटर पीछे एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे खाना खाने का, लेकिन आज बंद है, तो अब सारे लोग आगे निकल गए। चलो जी आ जाओ, बंद हो जाओ, गाड़ी स्टार्ट, सीट बेल्ट पहनते हैं, आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे कल सोलन पार करके दक्षाई, और हम लोग रुके थे एक ऐसी प्रॉपर्टी में जो लाइक अ ड्रीम हाउस है, मतलब मेरी जिंदगी का तो ड्रीम हाउस है। सोचा था कभी इसी तरीके का मैं घर बनाऊंगा, लेकिन पापा के जाने के बाद सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, और जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है बस उसी पे अपन जी रहे हैं। होता है यार कभी कभी कनेक्शन एक ऐसा होता है ना फैमिली के साथ में कि उन्हीं के साथ ही करने में सब कुछ दिल लगता है, लेकिन जब वो चीज़ें ना रहें तो फिर सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको जहाँ हम लोग रुके थे, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ है ये घर। यहाँ पे देखो, ये रहा एक बेडरूम, तो ये रहा, और यहाँ से एंटर करते हैं। ये देखो इस तरीके का कुछ डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग इस रूम में हम लोग रुके थे जो अभी पूरा कबाड़ा मचा रखा है। ये है दूसरा बेडरूम, और कैंडल्स वगैरह जल रही थी, बहुत सुंदर है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो दिखाता हूँ एक एक करके, आपको भी पसंद आएगा। ये देखो क्या व्यू है। बाकी यहाँ पे लिविंग एरिया, एक बेडरूम हमारा यहाँ पे भी है जिसकी बालकनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एकदम मस्त। ये देखो है ना बढ़िया। और ये रहा ग्राउंड, और वहाँ देखो बैठने के लिए शाम के लिए लाउंज है, बॉनफायर का एरिया है, ऊपर भी बैठने का एरिया है, और वो यहाँ कनेक्टेड है, और वहीं से हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। बाकी जब हम लोग इधर आते हैं तो इस तरीके का लिविंग एरिया, ये टोटल किचन एरिया, और यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं बाहर की तरफ, और वहाँ हमारी गाड़ियाँ पार्क है, और ये यहाँ पे पूरी इस तरीके से सोसाइटी डेवलप्ड है ना, मस्त प्रॉपर्टी। तो मैं लाउंज वाले एरिया की तरफ आ चुका, और यहाँ से देखो क्या मस्त सुंदर दिख रहा है ना यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बाकी अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और स्पीति ट्रिप को घर पहुँचकर ख़त्म करते हैं। तो बहुत टाइम बाद मैंने ग्रुप में मैंने ट्रैवल किया, बहुत अच्छा लगा। राज भैया थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके साथ ट्रैवल करके, होप आगे भी कर पाए। रोहित भाई के साथ भी बहुत अच्छा लगा ट्रैवल करके, और आदि भाई तो अपने ऑल टाइम फेवरेट है। यस क्या 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 गाली तो बहुत, हाँ ये तो है। बाकी अभी करते हैं यहाँ को बाय बाय। इस जगह का नाम है दक्षाई, दक्षाई में हम लोग रुके थे। ऐसे ही और भी आगे हम लोग करते रहेंगे, है ना, मतलब ट्रिप करते रहेंगे। ओके, तो स्पीति ट्रिप कंप्लीट करने में ओवरलैंडिंग के साथ में ग्रुप के अंदर जाते जाते गिफ्ट दिया है आदि भाई ने, और इसको हम लोग अच्छे से माउंट करेंगे एक बढ़िया सी प्लेस देख के, ताकि स्पीति ट्रिप ओवरलैंडिंग का जो ये ट्रिप रहा है हमारा वो एक यादगार बन के रहे। इसके लिए मैंने एक प्लेस सोचा हुआ है कि अपन इसको हैंग करेंगे यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, और यहाँ बीच में टांगेंगे तो ये सुंदर भी लगेगा अपना। ओके, तो मैं इसको अभी संभाल के रख लेता हूँ, और इस ट्रिप का वीडियो तो आदि भाई ने यही ख़त्म कर दिया है, और अभी अपन भी सोच रहे हैं कि घर तक चलते हैं, और घर पे मिलके सीधे आपको मिलवाता हूँ मैं गुड्डा से। बीच में अगर कहीं हम लोग रुके, कुछ मस्ती वगैरह हुई, तो आप लोगों को दिखा दूंगा। अदरवाइज शुरू करते हैं यहाँ से घर तक का सफ़र सेफली, सेफ एंड साउंड। और एक चीज़ और बताऊँगा कि अभी आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 26 जनवरी वाले दिन स्नोफॉल हुआ है अटल टनल पे, लेकिन इस तरफ मनाली साइड के गेट पे सिस्सू तरफ तो एक बूंद भी नहीं गिरा है। मेरी अजय भाई से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को बताया, और दो घंटे पड़ी है, दो घंटे के बाद
धूप निकल गई है, फिर से वो जो स्नो पड़ी थी वो भी मेल्ट हो जाएगी। ताकि अभी इस सीरीज को यही खत्म करते हैं और सीधा मिलते हैं घर पे। चेक 1 2 1 2, हालत अभी ख़राब हो रही है क्योंकि नॉन स्टॉप आ रहे हैं वहाँ से। बीच में बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था और मैं पहुँच गया हूँ घर पे। काफ़ी दिन बाद मैं गुड्डा से मिलूँगा। हाँ, दिल की धड़कनें बढ़ रही है तो मैंने उसे अभी बाहर ही बुलाता हूँ, देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा मिलता है। और जब भी मैं ट्रिप से होता ना, वैसे तो मैं कभी खिलौने वगैरह खरीदता नहीं हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो गुड्डा के लिए मैं सॉफ्ट टॉयज लेके आया हूँ। एक तो ये, उसको फिश बहुत पसंद है और ख़ासकर वो कोकोमेलन में वो बेबी शार्क वाला कार्टून ज़्यादा देखती है, तो ये वाला मैं उसके लिए शार्क लेके आया हूँ, देखता हूँ कैसे रिएक्ट करती है। साथ में उसको ना बॉल बहुत पसंद है, तो एक बॉल लेके आया हूँ। थोड़ा सा शेक होती है तो इसके अंदर लाइट जलती है। एंड लास्ट में ये छोटी सी अम्ब्रेला, ये थोड़ी सी रिस्की है, इसकी जो नोक्स हैं वो मेरे को उसके आईज में लगने का डर है, बट फिर भी मैं ले आया। अब गर्ल्स है तो गर्ल्स के हिसाब से मैं ले आया, बॉयज़ होता तो गन वगैरह, कार वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लेके आया था। लो आ गई, गुड मेटी, क्या बोली है, क्या देख लिया बेटी, क्या हुआ बेटी को, देखो पापा क्या लाए, बेबी शार्क, पीपी क्या लाए, और भी लाए पापा, अम्ब्रेला, और भी एक चीज लेके आए पापा आपके लिए, बॉल। बेटू कैसी लगी है, अच्छी है, देखो कितने खुश हो जाते ना बच्चे, क्या बेटी को दे, बल्ले बल्ले, दे बॉल, ये देखो, ओए यार बहुत अमेजिंग फीलिंग है। मतलब लगभग 20 दिन हो गए मेरे को घर से गए और 20 दिन बाद मैं गुड्डा से मिल रहा हूँ। मतलब इसको टॉयज पसंद आ गए, मुझे लग रहा था पता नहीं से पसंद आएंगे या नहीं, बट पसंद आ गए। चलो एक काम करते हैं, सीरीज को फिर यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल, देखते हैं क्या करते हैं। एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, उससे अगले ब्लॉग में शेयर करूँगा। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय बेबी शार्क। Now my friend.